नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई काफी जगह आपने देखने को सुनने को मिला है, हर जगह ये प्रॉब्लम आ जाती है। खास तौर से बड़ी कंपनियों में हजारों की संख्या में लोग होते हैं, कंपनी पैसा नहीं देती है, तनख्वाह नहीं देती है, 6-6 महीने, 10-10 महीने, 8-8 महीने को तो मैंने खुद ने देखा है कि जो बेचारे वर्कर हैं, मजदूर आदमी, ब्लू कॉलर जॉब वाले, 6 महीने से 3 महीने से 4 महीने से कंपनी पैसा नहीं दे रही है। जी हाँ, पैसा बकाया है और वो भी 100, 200, 500, 1000 लोगों के पैसे बाकी पड़े हैं और कंपनी ये बोलती हाँ काम करते रहो, देते रहेंगे, 6 महीने होंगे तो 2 महीने की देगी, फिर 3 महीने निकाल दिए 1 महीने की देगी। इस तरह से करते करते 8-10 महीने 12 महीने की तनख्वाह कंपनी में एडवांस चढ़ जाती है। अब होता क्या है कि जैसे एक कंपनी में हजारों वर्कर हैं, तनख्वाह बाकी है, तो वो लाखों दराम में चली जाती है और फिर कंपनी के लिए सरदर्द हो जाता है, इतनी मोटी रकम वो कहाँ से लेके आती है, कहाँ से, वो दे नहीं सकती, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है या फिर वो बहाने बनाती है, वो घर भेजने की सोचती है, वीज़ा कैंसिल करने की सोचती है, धमकी देती है, आप यहाँ से जाओ, हमारे पास काम नहीं है, टिकट लो, ये हमारा आपका पासपोर्ट लो, हाथ ऊपर खड़े करने की इस तरह से कुछ कोशिश की जाती है। जी हाँ, आप लोग देखिए, ये जो बातें हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कोर्ट का फैसला आने के बाद में क्या करना चाहिए, हम कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। वी का रोजगार कानून, जी हाँ, 1980 एक्ट में पूरी बातें, ये सब कुछ होता है, आप लोग जितने भी वी में काम करते हैं तो आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ऐसी स्थिति होने पर आपको पहले तो मोहरे में शिकायत, नॉर्मल बात है यार, मोहरे में तो सब करते ही हैं शिकायत, मोहरे में तो एक समझौते वाली बात होती है, समझौता नहीं होता है तो भाई आपको फिर जाना पड़ता है कोर्ट में। जी हाँ, कोर्ट में फैसला श्योर सी बात है आपके पक्ष में आएगा कि यार आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ने पैसा दिया ही नहीं है, तो साबित करने की कंपनी कैसे, क्या साबित करेगी कि हमने इसको पैसे दिए। कोर्ट में जाते हैं तो आप एक दो तो होते नहीं, आप बहुत सारे वर्कर हो सकते हैं, जितने ज्यादा साथ में होंगे उतना आपका केस मजबूत बनेगा, जल्दी उसका फैसला आने की कोशिश होगी। जी हाँ, कोर्ट मान लो आपके हक में फैसला दे देता है कि भाई ठीक है, आपकी 2-3 महीने कोर्ट में पेशी पड़ी, रिकॉर्ड के आधार पर, डॉक्यूमेंटली या सबूतों के आधार पर देखा गया कि आपके पक्ष में फैसला दे दिया गया, कंपनी को आदेश दिया जाता है कि भाई इनकी तनख्वाह दी जाए। जी हाँ, अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपको तनख्वाह दे, कोर्ट का आदेश हो गया, पैसे देने पड़ेंगे, या फिर वो ऊपरी अदालत में, ऊपरी कोर्ट में अपील का ऑप्शन बचता है उसके पास, 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन में ऊपरी कोर्ट में अपील लगा सकती है कि वो कुछ भी रीज़न दे के अपने एडवोकेट के माध्यम से, सब कंपनियों के आपको पता है भाई लीगल एडवाइज़र, लीगल वकील भी होते हैं, तो वो फिर कोई ना कोई बहाने से, कंपनी में फंड की कमी है, कंपनी में काम नहीं चल रहा है, कुछ भी वो बहाने से सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जो भी कोर्ट होता है, सीनियर कोर्ट, जिस कोर्ट से फैसला है उससे बड़ा कोर्ट, उसमें अपील डाल देते हैं। मान लीजिए 15 दिन निकल गए, आपने भी कोई अपील नहीं डाली, कंपनी ने भी भाई कोई अपील डाली नहीं है, जी हाँ, और कंपनी ने पैसा भी नहीं दिया है, बकाया दिया भी नहीं है, तो आपको ये लगता है कि यार कोर्ट का फैसला आ गया, अपील 15 दिन के बाद होगी नहीं, तो आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा जल्दी मिले, तो कैसे मिले, तो फिर आपको एक निष्पादन का केस डालना पड़ेगा। जी हाँ, निष्पादन का मामला कोर्ट में एक दूसरा डालना पड़ेगा। अब निष्पादन क्या होता है, निष्पादन का मतलब ये होता है कि मामले को सुलटा दो भाई, जल्दी से रफा दफा करो इसको। अब रफा दफा करना क्या है भाई, आपका पैसा तो रफा दफा हो जाएगा, कोर्ट में एक अलग से आप मामला दायर कर सकते हैं, निष्पादन करवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, जिसमें कोर्ट फिर कंपनी को आदेश देगा, नहीं देता है तो भाई उसकी जो भी उसके पास सामान है उसको बेच डालो भाई, बेच दो उसको, जैसे इंडिया में माल्या फाल्या के सामान बेचा जा रहा ना, भी कभी कौन सा बेच के उसकी रिकवरी की जा रही है, तो सेम कंडीशन ही होती है, जितना भाई उनका है, उसका कोई अचल है, कोई चल संपत्ति है, कोई ट्रक है, बहुत सारे कोई गाड़ियां हैं, उनको सेल कर दो, बेच दो, या फिर उनकी कोई ऑफिस है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जगह है, कोई फ्लॉट वगैरह, बेच दो उनको, बेच के आप लोगों की पैसा आपको दिया जा सकता है कुर्की के माध्यम से। जी हाँ, इसको निष्पादन केस बोला जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप बहुत सारे वर्कर हैं आपके साथ ऐसे हैं, आप जल्दी कोई केस चाहते हैं, छोटे स्तर पर भी हो सकता है कि आप किसी आदमी के पास काम कर रहे हैं, वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, उसके ऊपर भी आप निष्पादन का मामला दर्ज करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनी उसी के ऊपर हो, निष्पादन का केस आप किसी के मतलब पैसे हैं, कोर्ट ने आदेश उसको दे दिया कि भाई इसके पैसे लौटा दो, वो नहीं दे रहा है, तो कोर्ट में दोबारा एक निष्पादन मामला होगा और कोर्ट फिर आपको तुरंत प्रभाव से उसको निष्पादन करने के लिए उसके पास जो भी होगा उससे वसूली करके आपको ये पैसे चुकाने के आदेश देगा, ये प्रोसेस हो सकता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।